नीतीश कुमार को गुस्सा क्यों आता है? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से अपना आपा खो बैठे, वो भी विधानसभा के अंदर। और उन्होंने आरजेडी की महिला विधायक को कह दिया, तुम महिला हो, तुम कुछ नहीं जानती। सब लोगों ने सपोर्ट किया और जब सब लोगों को सपोर्ट किया गया पूरी सर्वसम्मति से, अरे महिला हो, कुछ जानती नहीं हो, महिला को, अरे अरे बोल रही है, कहां से आते इन लोगों के साथ जो है, ये लोग कोई महिला को आगे बढ़ाया था? अरे हम 5 के बाद न महिला को बढ़ाए हैं, बोल रही हो, इसीलिए हम कह रहे हैं चुपचाप सुनो। अरे ऐसे ही बोल रहे, अरे क्या हुआ, सुनोगे नहीं? हम तो सुनाएंगे, और अगर आप नहीं सुनिएगा तो आपकी गलती है। अब हम आपको ये बताते हैं आखिर नीतीश कुमार आउट ऑफ कंट्रोल कैसे हुए। दरअसल बिहार विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा था, ऐसे में जो विपक्षी महागठबंधन के विधायक हैं वो लगातार हंगामा कर रहे थे और उनकी मांग थी कि पिछले साल आरक्षण के जो प्रावधान पिछड़े, अति पिछड़े और दलितों के लिए किए गए उस सबको 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। इस पर नीतीश कुमार ने उनसे कहा कि वो इसके लिए प्रयास कर रहे हैं और केंद्र सरकार से भी उन्होंने बात की है, लेकिन यह हंगामा फिर भी नहीं थमा और इस बार नौबत हाय हाय और नारुक तक जा पहुंची। अब नीतीश कुमार ने आपा खो दिया और आरजेडी की महिला विधायक रेखा देवी को कहा कि तुम महिला हो, तुम जानती क्या हो। सब लोगों ने सपोर्ट किया और जब सब लोगों को सपोर्ट किया गया पूरी सर्वसम्मति से, अरे महिला हो, कुछ जानती नहीं हो, महिला को, अरे अरे बोल रही है, कहां से आते इन लोगों के साथ जो है, ये लोग कोई महिला को आगे बढ़ाया था? अरे हम 5 के बाद न महिला को बढ़ाए हैं, बोल रही हो, इसीलिए हम कह रहे हैं चुपचाप सुनो। अरे ऐसे ही बोल रहे, अरे क्या हुआ, सुनोगे नहीं? हम तो सुनाएंगे, और अगर आप नहीं सुनिएगा तो आपकी गलती है। इस पर आरजेडी के विधायकों ने लगातार विरोध किया और नीतीश कुमार से माफी की मांग की। देखिए, हम लोग सदन के अंदर और सदन के बाहर भी प्रदर्शन कर रहे थे आरक्षण के मुद्दा पर, और उन्होंने एक बैग भड़क गए महिलाओं पर कि महिला आ गई है, कहां से आ गई है, कुछ जानती है, हम आए तब ना महिला आई है। ऐसा नहीं है कि आप महिलाओं को, सारे महिला को आप लाए हैं। मुख्यमंत्री उम्र के ख्याल से हमको लगता है कि अनाप शनाप बोल देते हैं, पिछले बार भी सदन में बोले हैं, देखिए आज भी बोल दिए महिला के साथ। क्या मांग है? हमको मांग है कि इस तरह से महिला को माननीय मुख्यमंत्री मान सम्मान दे और सदन में खेद व्यक्त करें। पर सवाल ये है कि पिछले 3 साल में ये चौथी बार है जब नीतीश कुमार इस तरह आउट ऑफ कंट्रोल हो गए और उन्होंने अपना आपा खो दिया। नीतीश कुमार के इस बयान पर अब सियासत शुरू हो गई है और यही सवाल बार बार उठ रहा है कि आखिर नीतीश इस तरह के बयान क्यों दे देते हैं और बार बार आपा क्यों खो देते हैं।